हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ ऑफियन क्वालिटी एंड फैक्ट्स दोस्तों इंडियन फॉरेन पॉलिसी का लेक्चर नंबर इलेवन आपके सामने लेकर आया हूं और इसमें हम देख रहे हैं इंडियाज एंगेजमेंट विद मल्टीपोलर वर्ल्ड इससे पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ और ब्रिक्स के साथ भारत के रिलेशन को देखा था आज हम देखेंगे आसियान के साथ भारत के रिलेशंस को तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों आसियान की स्थापना इसके पांच संस्थापक सदस्यों इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा 8 अगस्त उन्नीस को थाईलैंड में की गई थी इसलिए हर साल 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनता है कि आसियान के प्रारंभिक देश कौन से थे तो ये पांच देश इसकी ट्रिक्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसको याद रखें और 8 अगस्त को मनाया जाता है आसियान डे और थाईलैंड में ये बनाया गया था आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ठीक है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते हुए तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये बनाया गया था आसियान का आदर्श वाक्य जिसे आप मोटो कह सकते हैं आसियान का मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, यानी एक विजन रहेगा एक आइडेंटिटी रहेगी और एक कम्युनिटी के तौर पे साउथ ईस्ट एशिया रीजन को डेवलप करने का लक्ष्य इसके द्वारा देखा जा सकता है आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है और दोस्तों सदस्य राष्ट्र अक्सर ये पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दस सदस्य आसियान जो ग्रुप है इसमें कौन कौन सदस्य है और कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है ठीक है तो दस सदस्यों के लिए ट्रिक भी आपको बताऊंगा तो आसियान एक दस सदस्यीय क्षेत्रीय संगठन है इसमें इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड ब्रुनेई वियतनाम लाओस म्यांमार कंबोडिया इत्यादि शामिल है तो 10 देश इसके अंदर शामिल है आसियान के जो पांच संस्थापक देश हैं वो है इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड और दोस्तों ये पांच देश तो आपके आरंभिक थे जो 1967 में जब इसकी स्थापना हुई तब ये थे उसके बाद छठा देश इसमें जुड़ता है ब्रुनई 1984 में सातवां सदस्य जुड़ता है 1995 में वियतनाम आठवां सदस्य इसमें जुड़ता है लाओस और नाइन्थ इसमें जुड़ता है म्यांमार दसवां और लास्ट सदस्य इसका है कंबोडिया जो कि 1999 को आसियान का सदस्य बना भारत आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन डायलॉग पार्टनर भारत है आसियान का वो चीज इंपॉर्टेंट है तो अब बताते हैं आपको ट्रिक ट्रिक क्या है मिस्टर पंजाब लव माय सीए अब देखिए यहां पे मिस्टर लिखा है जैसे मिस्टर इंडिया होता है वैसे ही मिस्टर पंजाब आप समझ लीजिए तो ये एक ट्रिक ट्रिक है कि मिस्टर पंजाब लव माय सीए सीए मतलब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी चार्टेड अकाउंटेंट बहुत ही स्मार्ट है तो क्या है मिस्टर पंजाब क्या है मिस्टर पंजाब आपकी सीए को लव करता है तो ये तरीके की ट्रिक है जिससे आपको दस के दस देश याद हो जाएंगे मिस्टर पंजाब लव माई सी तो मिस्टर के यहाँ पे एम आई एस टी चार देशों का प्रतिनिधित्व करता है और पी बी दो देश यहाँ पे पी और बी में आ जाएंगे एल ओ एल ओ वीई अलग यहां पे लिखा है एल फॉर लाओस वी फॉर वियतनाम माई सी ए बहुत ही सिंपल है मिस्टर पंजाब लव इसके अंदर दस की दस कंट्रीज आ जाएगी तो ये कैसे काम करती है तो यहां पे आप देख रहे हैं मिस्ट सबसे पहले मिस्ट की जो चार कंट्री है ये आरंभिक कंट्री यहां पे आ जाएगी मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर थाईलैंड एम आई एस टी ठीक है और मिस्टर पंजाब पीबी आपको पता होगा पीबी नंबर हमेशा पंजाब के लिए दिया जाता है गाड़ी का नंबर पीबी ठीक है तो पी फॉर फिलीपींस तो यहां तक आप देखिए ये जो पांच कंट्रीज आ गई है ये आपकी इनिशियल कंट्रीज है जो आरंभिक सदस्य माने जाते हैं आसियान के उसके बाद छठा जो देश जुड़ा था वो था बी बी फॉर ब्रुनई ठीक है लव लव का एल लाओस ठीक है एल का एल लाओस वी का वी वियतनाम एम फोर माई म्यांमार अब देखिए क्योंकि एम से यहां पे दो कंट्रीज है पहली कंट्री इनिशियल में मलेशिया है और दूसरी कंट्री जो बाद में जुड़ी है वो है आपकी म्यांमार तो म्यांमार की स्पेलिंग आप देख लीजिए माई से ही ये शुरू होती है तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि म्यांमार इनिशियल नहीं है ये बाद में जुड़ी है और सी ए से आप देख सकते हैं यहां पे कंबोडिया तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी मिस्टर पंजाब लबमाई सी अब देखते हैं आसियान का विकास कि आसियान का विकास कैसे हुआ और किस तरीके से आ, इसने वर्ल्ड अफेयर में अपनी प्रेजेंस को स्थापित किया आसियान की स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए किया गया था इसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति व स्थायित्व तो सुनिश्चित करना रखा गया है यानी ये जो क्षेत्र है आपका साउथ ईस्ट एशिया ये आपका आप देख लेंगे ये आपका एशिया है तो ये साउथ ईस्ट ये बेसिकली आपका साउथ यहां पे आ गया और जो ये यहां पे आपका ईस्ट आ गया साउथ ईस्ट एशिया का जो ये रीजन है इस रीजन के अंदर क्या है शांति स्थापित करने के लिए ये आपका साउथ है या आपका ईस्ट है और इसके बीच का जो ये वाला एरिया है इसे कहा जाता है साउथ ईस्ट रीजन तो आप वैसे ही आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री साउथ ईस्ट रीजन के अंदर आती है वही आसियान के सदस्य होंगे ठीक है तो इसका लक्ष्य क्या था इसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व सुनिश्चित करना रखा गया है वर्ष उन्नीस में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु क्षेत्र परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए यानी दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया का जो ये वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए यहां पे ना तो किसी प्रकार के परमाणु परीक्षण किए जाएंगे और ना ही ये कंट्रीज परमाणु परीक्षण को किसी भी प्रकार से सहन करेगी ठीक है वर्ष उन्नीस में आसियान विजन 2020 अपनाया गया, 1997 में क्या है आसियान का विजन 2020 अपनाया गया और इसमें 2020 तक आसियान रीजन को डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया था 2003, हजार तीन इंपॉर्टेंट वर्ष 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय का आयोजन किया गया तो आसियान समुदाय जो कि 2015 में बना इसके लिए जो प्रयास है सबसे पहले 2003 बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय में किया गया था ठीक है और 2007 की जो सेबू घोषणा होती है सेबू घोषणा में 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के प्रयास करने के लिए बात रखी गई थी और 2008 में आसियान चार्टर जकार्ता में 15 दिसंबर 2008 को अपनाया गया और यह आसियान समुदाय 2015 में बनकर तैयार हुआ अब दोस्तों आसियान अलग है आसियान अलग है और आसियान जो समुदाय है आसियान कम्युनिटी है ये अलग है आसियान रीजनल फॉरम एआरएफ आपने सुना होगा इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनेगी क्योंकि ये अलग से टॉपिक लगा है अगला जो लेक्चर हमारा रहेगा तीसरा या चौथा इस वीडियो के बाद वो आसियान रीजनल फॉर्म फॉरम के ऊपर रहेगा आसियान कम्युनिटी के ऊपर रहेगा तो आसियान कम्युनिटी का सबसे पहला आसियान समुदाय का पहला प्रयास किया गया था बाली कॉनकौड में सेबू घोषणा पत्र में एक बार फिर से बोला गया कि 2015 तक किसी भी हाल में हमें आसियान समुदाय बनाना है और 2008 में आसियान का चार्टर 15 दिसंबर 2008 को अपनाया गया और आसियान समुदाय जो कि 2003 में जिसे बनाने का लक्ष्य रखा था वो 2015 में बनकर तैयार हुआ थोड़ा सा यहाँ पे आसियान समुदाय के बारे में जान लेते हैं आसियान समुदाय जो 2015 में बना इसके तीन स्तंभ माने जाते हैं आसियान समुदाय के तीन स्तंभ माने जाते हैं तीन पिलर माने जाते हैं आसियान समुदाय के थ्री पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी पहला है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय इसके द्वारा जो पहला पिलर बनाया गया उसे जाना जाता है आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी यानी साउथ ईस्ट एशिया के रीजन के अंदर हमें क्या करना है साउथ ईस्ट एशिया के रीजन के अंदर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की स्थापना करनी है यानी यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे आतंकवाद के द्वारा सरकारें गिराई जाती है या आंतरिक अशांति के कारण सरकारें गिराई जाती है या डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर सरकारें गिराई जाती है वो सारे मुद्दे इस क्षेत्र में ना उभरे उसे रोकने के लिए आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय का निर्माण किया गया ठीक है ये था पहला पिलर दूसरा पिलर है आसियान आर्थिक समुदाय यानी आसियान के जो ये दस देश है इन दस देशों का आर्थिक विकास करना है यहाँ पे यातायात यहाँ पे ट्रेड और यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से डेवलप करना है ताकि आसियान रीजन वर्ल्ड के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना पाए तीसरा जो पिलर है वो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय यानी साउथ ईस्ट एशिया की जो दस कंट्रीज है वहाँ पे एक दूसरे देशों की संस्कृति के प्रति सद्भावना और एक दूसरे देशों के संस्कृति को समझना वहाँ के समाज में सुधार लाना ये लक्ष्य रखा गया है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय द्वारा यानी जो ये आसियान समुदाय बना है इसमें तीन प्रकार की संस्थाएं या स्ट्रक्चर काम कर रही है पहली है पॉलिटिकल दूसरी इकोनॉमिक और तीसरी सोशियो कल्चरल समुदाय ठीक है आसियान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को समाहित करता है जिसमें आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष से आयु से कम है यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है तो आसियान के अंदर दुनिया की 50 परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो यंग है ठीक है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है आसियान एशिया की तीसरी और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आसियान ही है और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है एशिया के अंदर इंडिया और चाइना और जापान ये जो तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं ये तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल नहीं हैं इसके बावजूद भी ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कही जाती है आसियान सिंगल एविएशन मार्केट और ओपन स्काइज नीतियों ने इसकी परिवहन और कनेक्टिविटी क्षमता को बढ़ाया है यानी ये जो आसियान का साउथ ईस्ट आसियान का जो ये रीजन है इस क्षेत्र को क्या है ओपन स्काई रखा गया है यानी ये जो दस कंट्रीज है टेन कंट्रीज टेन कंट्रीज के जो देश है वो ओपन स्काई यानी किसी भी देश की टेरिटरी के ऊपर से उड़ान भर भर सकते हैं ठीक है एविएशन मार्केट सिंगल एविएशन मार्केट का मतलब है कि आपको ना तो लाइसेंस राज होगा ना ही आपका मतलब आपको ट्रेड टैरिफ और जो आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती है सीमा शुल्क लगते हैं इस तरीके की जो झंझटें थी उसको बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है और इसने क्या है कनेक्टिविटी बढ़ाई है आसियान कंट्री के बीच अब देखते हैं आसियान के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक विकास सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने का प्रयास करना तो सबसे पहला लक्ष्य क्या है इकोनॉमिक दूसरा है सोशल और तीसरा है कल्चरल न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करना तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना कृषि और उद्योगों का विकास व्यापार विस्तार परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयत्न करना दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के अध्ययन को बढ़ावा देना यानी यह रिसर्च को भी प्रमोट करता है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अंदर रिसर्च को प्रमोट करना मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ लाभप्रद सहयोग बनाने के लिए इस संगठन को बनाया गया है यानी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय लाइक like आईएमएफ हो गया आपका वर्ल्ड बैंक हो गया आपका सार्क हो गया ठीक है और विश्व के अनेक जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके साथ समन्वय स्थापित करना भी इस संगठन का लक्ष्य बनाया गया है 1976 की दक्षिण पूर्व एशिया एमिटी और सहयोग संधि आसियान के मूलभूत सिद्धांतों को सम्मिलित करती है MET. ये कई बार पूछा जाता है कि संधि संधि क्या है है तो है ठीक तो आसियान से रिलेटेड जो कि 1976 में साइन हुई है और इसमें जो लक्ष्य रखे गए हैं देशों के बीच स्वतंत्रता संप्रभुता समानता क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देना बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक देश का अधिकार ठीक है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना और शांतिपूर्वक तरीके से मतभेदों या विवादों का निपटारा करना तो बेसिकली ये लक्ष्य रखे गए हैं आसियान के संगठनात्मक संरचना यानी किस तरीके से आसियान काम करता है उसकी उसका स्ट्रक्चर कैसा है किस तरीके की बॉडी है सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्ण के अनुसार आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है यानी ए बी सी डी क्रम में जो देश पहले आता है वहां पे पहले समिट होगी उसके बाद दूसरी तीसरी यानी वर्ण क्रम में अध्यक्षता होती है आसियान की और आसियान में बेसिकली ज़्यादा टफ नहीं है ओनली टू टाइप के यहाँ पे सम्मेलन होते हैं जिसके द्वारा ये अपना फंक्शन करता है पहला है आसियान शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन मतलब जो गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं दस के दस कंट्रीज़ के यहाँ पे हेड होंगे उसे कहा जाएगा शिखर सम्मेलन ठीक है यह आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है यानी लॉ जितने भी बनते हैं इसी में बनते हैं चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में दो बार होता है यह भी इंपॉर्टेंट है कि शिखर सम्मेलन वर्ष में दो बार होते हैं दूसरी जो आपकी संस्था है वो है आसियान मंत्रालय परिषद शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए चार महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थापित किए गए हैं मंत्रालय परिषद से आप यहां पे समझ रहे हैं कि अलग अलग मंत्रालय बना गए बनाए गए हैं जैसे इंडिया में आपने आप देखते हैं यहां पे रक्षा मंत्रालय अलग है ऊर्जा मंत्रालय अलग है रेलवे मंत्रालय अलग है वैसे ही आसियान के बेसिकली चार मंत्रालय हैं जो अलग अलग क्षेत्रों को देखते हैं ठीक है सबसे पहला है आसियान समन्वय परिषद यह दस देशों के बीच कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने के लिए बनाया गया है और जो विभिन्न मुद्दे होते हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार का मतभेद होता है उनमें कोऑर्डिनेशन करना इसका काम होता है आसियान समन्वय परिषद का दूसरा है आसियान राजनीतिक सुरक्षा परिषद ठीक है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद यानी यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए ये बनाया गया है तीसरा है आसियान आर्थिक समुदाय परिषद जो कि इकोनॉमिक अफेयर को देखता है और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद ठीक है तो इससे पहले हमने थ्री पिलर देखे थे आसियान समुदाय के ठीक है उसमें क्या नहीं था उसमें आसियान समन्वय परिषद नहीं था बाकी तीनों इसके अंदर आते हैं तो बेसिकली चार मंत्रालय बनाए गए हैं मिनिस्ट्री बनाई गई है आसियान आसियान की और ध्यान रहे में निर्णय लेने का प्राथमिक तरीका परामर्श और सभी की सहमति है यानी दस कंट्रीज जो है दस देशों का समर्थन लेना पड़ता है किसी भी निर्णय के लिए जब आम सहमति बनती है तभी कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है उससे पहले नहीं लिया जाता आसियान के नेतृत्व वाले मंच यानी आसियान जो एक प्रकार का आपका रीजनल जो संगठन है इसमें किस तरीके से नेतृत्व किया जाता है तो सबसे पहले आप देख रहे हो आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ए आर एफ जिसे कहा जाता है ए आर एफ आसियान रीजनल फोरम और दोस्तों यह वर्ष उन्नीस में शुरू किया गया और 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया है ठीक है प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट चीज आसियान रीजनल फोरम की जरूरत क्या पड़ी एआरफ की जरूरत क्या पड़ी जो कि उन्नीस में बना यह देखिए आसियान के अंदर दस सदस्य थे लेकिन जो आपका ए आर एफ है आसियान रीजनल फोरम इसमें ट्वेंटी सेवन कंट्रीज हैं और ये क्षेत्रीय विश्वास निर्माण यानी जो आपका एशिया का पूरा का पूरा क्षेत्र है वहाँ पे एक प्रकार से आपका विश्वास निर्माण हो सके कि सभी देश क्या है एक दूसरे की शांति में विश्वास करते हैं और किसी के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं दूसरा यहाँ पे प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी यानी निवारक कूटनीति अपनाई गई है अगर देशों के बीच किसी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो वो युद्ध में कन्वर्ट ना हो जाए उसको रोकने के लिए ये काम करता है ठीक है और राजनीतिक सुरक्षा मुद्दों पर भी ये काम करता है दूसरा आपका है आसियान प्लस थ्री और यह कई बार पूछा गया है कि आसियान प्लस थ्री में कौन सी कंट्री आती है तो आसियान की दस कंट्री ठीक है आसियान की दस कंट्री प्लस थ्री इसलिए इसे कहा गया है आसियान प्लस थ्री ये उन्नीस में शुरू किया गया था यह एक परामर्श समूह है जो आसियान के दस सदस्यों के साथ चीन जापान और दक्षिण कोरिया को सम्मिलित करता है आसियान प्लस थ्री में कौन है चाइना जो कि एशिया की नंबर वन इकोनमी है उसके बाद आ जाता है जापान जो एशिया के दूसरे नंबर की इकोनमी है उसके बाद आ जाती है आपकी दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया तो ये तीन जो फेमस देश है वो आते हैं प्लस थ्री के अंदर आसियान प्लस थ्री के अंदर तीसरा जो आपका प्लेटफॉर्म है आसियान का वो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा एशिया है और ये पूरब है ठीक है ये आपका ईस्ट है ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है तो आसियान बेसिकली किस लिए बना है आसियान बना है साउथ ईस्ट रीजन के लिए इस रीजन के लिए आसियान बना है ठीक है तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है यह केवल साउथ ईस्ट एशिया को नहीं लेता है बल्कि ईस्ट एशिया और ईस्ट के कुछ दूसरे देशों को भी यह लेता है जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है पूर्व का देश ऑस्ट्रेलिया जापान अब देखिए जापान बिल्कुल एशिया के यहाँ पे ईस्ट में है यहां जैसे जापान है छोटे छोटे टापू है इस एरिया में ठीक है न्यूजीलैंड रूस रूस बेसिकली आपका इसी एरिया से आगे है यूरेशिया यु, के नाम से जाना जाता है दक्षिण कोरिया ये भी इसी रीजन के अंदर है संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका आप आगे चले जाइए तो इधर को आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है तो बिल्कुल ये इसके ईस्ट में आता है लेकिन इसके अंदर दो कंट्रीज ऐसी भी हैं जो ईस्ट में नहीं है फिर भी वो इसमें भाग लेते हैं जैसे चीन और भारत चीन आप देखिए ये आपका एशिया है चीन कहां पे आता है मध्य एशिया के अंदर ठीक है ये आ, साउथ ईस्ट में नहीं आता है ना ये ईस्ट में आता है तो इसको भी इसमें समाहित किया गया है और इंडिया हमारा आता है साउथ एशिया के अंदर इसको भी इसमें समाहित किया गया है तो एक क्लियर आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश है तो इसमें चीन भी है भारत भी है बाकी जितनी भी ये कंट्रीज है ये आपकी ईस्ट की कंट्रीज है और दो कंट्रीज ऐसी है जो ईस्ट की नहीं है उसे भी इसमें शामिल किया गया है अब देख लेते हैं भारत आसियान संबंध भारत आसियान संबंध की वास्तविक शुरुआत 1991 में आसियान द्वारा भारत को क्षेत्रीय वार्ता भागीदार का दर्जा प्रदान किए जाने से हुआ यानी 1991 में भारत को क्या है क्षेत्रीय वार्ता भागीदार घोषित किया गया क्षेत्रीय वार्ता भागीदार का अर्थ है भारत को कुछ सीमित क्षेत्र में सहयोग का अवसर दिया जाए उस समय यह सहयोग सबसे पहले कहां दिया गया भारत को उन्नीस में भारत को जो सहयोग वार्ता बनाया गया था क्षेत्रीय वार्ता भागीदार तो भारत सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र तक यह सीमित था यानी शुरुआत में भारत वार्ता भागीदार था लेकिन वो सिर्फ कल्चरल और टूरिज्म क्षेत्र में ही भागीदारी अपनी देता था 1994 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इसमें जोड़ा गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इसमें जोड़ा गया 1994 के अंदर वर्ष 2002 में कंबोडिया में आसियान सम्मेलन हुआ जिसमें प्रथम भारत आसियान शिखर वार्ता हुई और ध्यान रहे भारत को पहले से ही क्षेत्रीय वार्ता का स्तर हासिल था जो कि 1991 से शुरू हो गया था क्षेत्रीय वार्ता का स्तर लेकिन भारत आसियान शिखर वार्ता यह शुरू होती है 2002 से और तब से लेकर लगातार भारत आसियान शिखर सम्मेलन हो रहे हैं ठीक है आसियान के साथ भारत का संबंध एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव के का प्रमुख आधार स्तंभ है यानी भारत आसियान के साथ जो अपने संबंध बनाता है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बनाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि अलग से ये टॉपिक हमारे सिलेबस में लगा है भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में शांति सुरक्षा स्थिरता और विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता तथा भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 8 अक्टूबर 2003 को इंडोनेशिया के बाली द्वीप में होने वाले द्वितीय आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता तथा सहयोग की संधि को स्वीकारा यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग संधि को कब स्वीकारा वर्ष 2003 में बाली सम्मेलन के अंदर भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए ही वर्ष 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी ए की स्थापना की गई दो चीजें 2003 में हुई पहला मित्रता और सहयोग संधि 2003 में हुई आसियान के साथ और दूसरा ए की स्थापना भी हुई 2003 के अंदर अब देखिए इनके बीच एक मुक्त व्यापार संधि भी हुई है जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है आसियान देशों के बीच क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है अब आसियान की जो दस कंट्री है उनमें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही लागू है ठीक है एफ आसियान के दस देशों में पहले से ही लागू है लेकिन समूह के बाहर जो देश है समूह के बाहर जो देश है उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जैसे चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान का जापान के साथ है दक्षिण कोरिया के साथ है तो ये तीन देश है इन्हें आसियान प्लस थ्री कहा जाता है भारत के साथ है क्योंकि ये पूर्व की कंट्रियों के अंदर आ, भारत को शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ है न्यूजीलैंड के साथ है तो ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये कंट्री टोटल सिक्स कंट्रीज के साथ हुआ है और भारत के बीच मुक्त व्यापार संधि वर्ष 2009 में हुई यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और आसियान का कब हुआ 2009 के अंदर भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई हुई है ठीक है यानी 25 साल का जो डायलॉग पार्टनर है 25 साल के अंदर आसियान और इंडिया के रिलेशन को इस तरीके से हमने डेवलप करना है कि इकोनॉमिक रूप से दोनों देशों को लाभ हो ट्रेड के लाभ हो बायलेटरल जो एग्रीमेंट हुए उसके द्वारा आसियान को और भारत को लाभ हो उसके बाद पंद्रह साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है ठीक है दो में हनोई के आठवें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में 2010 से लेकर 2015 तक एक नई कार्य योजना को स्वीकार किया गया जिसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो भारत ने आसियान के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इसे सेपा भी आपने सुना होगा सीई पी ए पी ए अभी आ, भारत आ, आ, के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पे गए हैं ठीक है तो उस दौरान एक सेपा साइन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तो उसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है सेपा का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट या एग्रीमेंट इस तरीके से होता है तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ही आता है ठीक है तो भारत ने 2010 में हनोई के आठवें आसियान शिखर सम्मेलन में 2010 से 2015 तक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की कार्य योजना को स्वीकारा था 12 नवंबर 2014 को म्यांमार में आयोजित किए गए बारहवें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी व आसियान नेताओं ने भारत आसियान रणनीतिक भागीदारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की अब यहां पे आप देखिए 2010 में यह लागू किया गया था 2015 के लिए तो 2014 के अंदर इसकी समीक्षा की गई जो हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनाई है 2010 से तो चार साल में क्या प्रोग्रेस हुई तो उसकी समीक्षा इसके अंदर की गई मोदी जी ने आसियान को भारत की पूरक के कार्यनीति यानी एक्टिस्ट पॉलिसी का प्रमुख बिंदु बना दिया तो इसे लुकिस्ट पॉलिसी पहले कहा जाता था तो 2014 के अंदर ही इसे एक्टिस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार 2000, 2001 से लेकर 2013-2014 तक 7.1 अमेरिकी डॉलर से 74.4 अमेरिकी डॉलर यानी इन बारह तेरह सालों के अंदर दस गुना वृद्धि हुई है टेन टाइम्स वृद्धि हुई है आसियान और भारत के बीच व्यापार में भारत आसियान के मध्य आर्थिक सहयोग इकोनॉमिक कॉपरेशन भारत और आसियान के देशों के बीच समकालीन समय में आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का दस दशमलव है भारत के कुल निर्यात का आसियान को निर्यात ग्यारह दशमलव अट्ठाईस प्रतिशत है यानी अगर हम हंड्रेड परसेंट निर्यात करते हैं उसमें से ग्यारह दशमलव अट्ठाईस प्रतिशत हम आसियान को निर्यात करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं भारत और आसियान के बीच तीस वार्ता तंत्र है जो विदेश मामलों वाणिज्य पर्यटन कृषि पर्यावरण रिन्यूवल एनर्जी दूर संचार पर नियमित रूप से बैठ के करते रहते हैं तो तीस वार्ता तंत्र है इंडिया और आसियान के बीच आर्थिक सहायता के लिए निधियां भा, आसियान भारत सहयोग कोष सबसे पहले बनाया गया जिसके द्वारा भारत और आसियान के बीच जो कॉपरेशन है उसको फंड किया जा सके दूसरा आसियान भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष यानी इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया और तीसरा है आसियान भारत ग्रीन फंड जो कि एनवायरमेंट और सस्टेनेबल एनवायरमेंट और एस जो आपका एस डीज एस ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको पूरा करने के लिए ये बनाया गया पंद्रहें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया व 25 जनवरी 2018 को आसियान वार्ता के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर भारत आसियान के बीच भारत में साझा मूल्य साझा भाग्य पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है साझा मूल्य साझा भाग्य यह शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया पच्चीस साल पूरे होने पर यह आयोजित किया गया अब पच्चीस साल को क्या कहते हैं आई थिंक सिल्वर जुबली से कहते हैं ठीक है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी व अन्य नेताओं ने आतंकवाद का खात्मा तथा समुद्री व्यापार को बढ़ा, बढ़ाने के लिए अपनी सहमति जताई थी नेक्स्ट आपका सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग आसियान के साथ पीपल टू पीपल संवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना आसियान कूटनीतिज्ञों के लिए डिप्लोमेट्स के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सांसदों का एक दूसरे देशों में जाना इत्यादि इसके द्वारा क्या है सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग आसियान और भारत के बीच बढ़ाया जा रहा है नेक्स्ट आपका दिल्ली घोषणा आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री क्षेत्र में सहयोग करना रखा गया है अब ये क्यों रखा दिल्ली घोषणा के अंदर समुद्री सहयोग इसलिए रखा क्योंकि चीन जो आपका है आ, चाइना के आसपास जो आ, सी आपका पड़ता है उसके अंदर क्या है चाइना ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है जो कि दक्षिण कोरिया के लिए और जो आसियान की कंट्री है उनके साथ चीन का सीधा सीधा ये एक विवाद है ठीक है दक्षिण दक्षिणी चीन सागर जिसे कहा जाता है तो समुद्री क्षेत्र में सहयोग के लिए दिल्ली घोषणा पत्र आ, हुआ है दिल्ली घोषणा पे साइन हुए हैं उसके बाद होता है दिल्ली संवाद आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम बनाया गया है तो आपसे पूछा जाता है कि ट्रैक 1.5 क्या है ट्रैक 1.5 क्या है तो ट्रैक 1.5 जो कि दिल्ली संवाद में अपनाया गया है ये बेसिकली राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों के लिए अपनाया गया है नेक्स्ट है आसियान भारत केंद्र भारत और आसियान संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए यह बनाया गया है नेक्स्ट है आपका राजनीतिक सुरक्षा सहयोग भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है पिछले दो दशकों में भारत का आसियान देशों में निवेश सत्तर अरब डॉलर रहा और भविष्य में इसमें वृद्धि की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं तो अंत में कंक्लूजन के तौर पे हम देखते हैं भारत की एक्टिस पॉलिसी पूर्वी देशों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी देशों के संबंधों को मजबूत करने पर बल देती है ठीक है एक तो एक्टिस पॉलिसी क्या है आपकी दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ और दूसरा पूर्वी देशों के साथ भी यह क्या है संबंधों को मजबूत करने पर बल देती है दूसरा भारत और आसियान देशों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी बहुत बड़ी चुनौती है अब आप देखोगे भारत यहां पे है ठीक है यह आपका भारत है भारत के अगर आप ईस्ट में देखोगे तो यहां पे आ, आपकी सीमाएं पड़ती है भूमि पड़ती है और ऊपर को आप देखोगे तो आपका तिब्बत है आपका चाइना है आपका भूटान है तो भारत का क्या है कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट कंट्री के साथ उतने अच्छे से नहीं हो पाती जो सबसे बड़ी चुनौती है भारत म्यांमार थाईलैंड इसे आईएमटी कहा जाता है भारत म्यांमार थाईलैंड भारत के ये भारत है भारत के साथ आपका म्यांमार है म्यांमार के साथ आपका थाईलैंड है ठीक है तो इनके बीच क्या है एक कॉरिडोर बनाने के ऊपर बात चल रही है जिसे आईएमटी कॉरिडोर कहा जाता है त्रिपक्षीय राजमार्ग जो भारत म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ेगा और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट एवं ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में सामने आ रही समस्याएं इन चुनौतियों के प्रमुख कारण हैं साथ ही तेल एवं गैस भंडार की दृष्टि से समृद्ध दक्षिणी चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों के कारण भी कनेक्टिविटी का संकट उत्पन्न हो गया है यदि भारत को आसियान से अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है तो दोनों देशों को अपने कनेक्टिविटी कॉरिडोर को ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करने होंगे साथ ही भारत और आसियान को मुक्त व्यापार समझौते को भी अच्छा उपयोग करना होगा जो मुक्त व्यापार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और आसियान के बीच हुआ है इसका अधिकतम उपयोग करना होगा तभी भारत के लिए आसियान से संबंध लाभदायक हो सकते हैं तो दोस्तों ये था भारत आसियान रिलेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों अगर आप मेरा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन में दो टाइप के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल कोर्स कॉन्सेप्चुअल कोर्स आप यूनिट वाइज भी ले सकते हैं और आप कंप्लीट कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको सिंगल कोर्स फॉर ऑल कंपिटिटिव एग्ज़ाम देखने को मिलेगा जो कि पॉलिटिकल साइंस के लगभग सभी पेपर्स को कवर करता है जिसमें पाँच हज़ार फैक्ट्स को मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है इसके साथ ही अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं वीडियो में ज्यादा टाइम अपना नहीं देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से मोजो के लिंक से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि यूनिट वाइज भी आपको मिल जाएंगे और कंप्लीट सेवन यूनिट्स के नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे तो दोस्तों अपने बारे में आपको बता दूं मेरा नाम नीरज कुमार है इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस में एम ए कर चुका हूँ एम फिल कर चुका हूँ और अभी मैं पी एच डी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर और तीन टाइम ऑल इंडिया टॉप पर रह चुका हूँ नेट जी आर एफ का और चार ईयर का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ये नोट्स आपके लिए कितने यूज़फुल साबित हो सकते हैं तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो